भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव हमेशा किसी ना किसी कारण को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। खेसारी के किसी भी ऐसे मुद्दे पर लोगों की नज़रें आसानी से हो जाती हैं जिसमें विवाद या फिर दुश्मनी शामिल हो। सिर्फ इतना ही नहीं, एक समय पर तो लोगों की नज़रें खेसारी के सोने चांदी के आभूषणों पर भी बनी हुई थी। आप लोग जानते होंगे कि खेसारी लाल की पूरे गले और हाथों में सोने के आभूषण देखे जाते हैं। खेसारी लाल से इस सोने पर कई बार सवाल भी पूछा गया है। वो हमेशा यही कहते नज़र आए हैं कि उन्हें दहेज में कुछ नहीं मिल पाया था, जिस गुस्से में वो सोने और चांदी के गहने पहनते हैं। हाल ही में खेसारी लाल ने छपरा में एक स्टेज शो किया, जहां खेसारी लाल से पूछा गया कि आप इतना सोना पहनते हैं, इसके लिए पैसे आते कहाँ से हैं। खेसारी लाल ने कहा कि मुझे ये पैसे लोगों द्वारा दिए गए हैं जिसके बदले में मेहनत करता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। लगता है आप लोगों ने मेरी पत्नी चंदा को नहीं देखा, वो तो मुझसे भी ज़्यादा सोना पहनती है। वेल, ये बात सच है। हाल ही में ऋषभ और कृति के बर्थडे पार्टी में खेसारी लाल की पत्नी को भी सोने के गहनों से लदा हुआ देखा गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, खेसारी की भतीजी की शादी में भी खेसारी की पत्नी गहने से सजी हुई थी। इसके अलावा जब खेसारी लाल से ये पूछा गया कि वो छपरा हमेशा अकेले स्टेज शो करने क्यों आते हैं, अपनी हीरोइनों को अपने साथ क्यों नहीं लाते, खेसारी ने जवाब में कहा कि अपनी हीरोइन को लाके छपरा में मार करवाना है क्या, मैं उन्हें यहाँ इसलिए नहीं लाता क्योंकि यहाँ पर लोगों की भीड़ मुझे देखने के लिए बहुत ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज़ भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट।